असल में कुमियर्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपको एक ग्रेनी स्क्वायर बनाना बताऊंगी, जो कि मैं 3 कलर में बना रही हूं। तो चलें हम अपना ग्रेनी स्क्वायर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 5 चेन लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब हमने इसको फर्स्ट चेन के साथ जोड़ देना है। ये हमारा रिंग बन जाएगा। उसके बाद हमने 4 चेन बनाने हैं और रिंग के सेंटर में हमने एक डबल क्रोशेट बनाना है। फिर हमने एक चेन बनाना है और फिर एक डबल क्रोशेट बनाना है। फिर एक चेन बनाएंगे और फिर एक डबल क्रोशेट। ये हमने टोटल 8 बनाने हैं। 3 हमारे बन चुके हैं, हमने मज़ीद 5 बनाने हैं। ये हमारे 8 डबल क्रोशेट बन चुके हैं। अब हमने इसको स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ देना है। नेक्स्ट राउंड में हमने इसके सेंटर में सिंगल क्रोशेट बनाना है। हाफ डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, हाफ डबल क्रोशेट। जो हमने इसकी नेक्स्ट पेटल बनानी है वो भी इसी तरह सिंगल क्रोशेट, हाफ डबल क्रोशेट, 4 डबल क्रोशेट हमने इसमें बनाने हैं। हाफ डबल क्रोशेट, ये हमारी 2 पेटल्स बन गई हैं। टोटल हमने 8 बनानी है। सिंगल क्रोशेट, हाफ डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, और फिर ये हमारा हाफ डबल क्रोशेट। ये हमारा फ्लावर तैयार हो गया है। अब हमने स्क्वायर बनाना है। एक चेन करेंगे, इस तरह से हम इसको बैक पे जोड़ेंगे। फिर हमने 4 चेन बनाने हैं और फिर हमने इसको नेक्स्ट पेटल के गैप में से पीछे की तरफ जोड़ देना है।
फिर से हमने चार चेन बनाने हैं। और फिर हमने इसको नेक्स्ट पेटल की गैप में पीछे की तरफ जोड़ देना है। इसे हमने चार चेन बनाने हैं। और हमने फिर इसको इधर पीछे की तरफ जोड़ देना है। ये पूरा राउंड हमारा इसी तरह बनेगा। चार चेन बनाने हैं और हर पेटल की गैप में से हमने इसे जोड़ना है। हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसमें सेकंड कलर का धागा ऐड करना है। ये धागा हम कट कर लेंगे। अब हम पिंक कलर का धागा यूज करेंगे। तीन चेन करेंगे और उसके सेंटर में से दो डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये टोटल हमारे तीन डबल क्रोशेट हो जाएंगे। एक हमने जो पहले तीन चेन किए, एक ये काउंट होगा, दो ये होंगे। ये हमने कॉर्नर बनाना है, दो चेन करेंगे। और फिर तीन डबल क्रोशेट हमने इसमें बनाने हैं। ये हमारा पहला कॉर्नर बन गया है। अब हमने नेक्स्ट गैप के सेंटर में तीन डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये देखें इस तरह से एक चेन करेंगे। अब हम यहाँ अपना सेकंड कॉर्नर बनाएंगे, तीन डबल क्रोशेट, दो चेन और फिर तीन डबल क्रोशेट। फिर एक चेन करेंगे और नेक्स्ट में हमने तीन डबल क्रोशेट बनाने हैं। फिर एक चेन करेंगे। अब हमने थर्ड कॉर्नर बनाना है। तीन डबल क्रोशेट, दो चेन और फिर तीन डबल क्रोशेट। ये हमारे स्क्वायर का थर्ड कॉर्नर बन गया है। फिर एक चेन करेंगे, तीन डबल क्रोशेट बनाएंगे नेक्स्ट गैप में से, एक चेन। अब हमने अपना चौथा और लास्ट कॉर्नर बनाना है। तीन डबल क्रोशेट, दो चेन और तीन डबल क्रोशेट, एक चेन। नेक्स्ट गैप में से हमने तीन डबल क्रोशेट बनाने हैं। फिर एक चेन करेंगे और इसको फर्स्ट डबल क्रोशेट के साथ स्लिप स्टिच की मदद से हमने जोड़ देना है।
ये हमारे स्क्वायर का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। देखिए व्यूअर्स, ये पीछे से इस तरह से दिखाई देगा। अब हमने नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशेट बनाना है, फिर से सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अब हमने कॉर्नर के सेंटर में सिंगल क्रोशेट बनाना है, तीन चेन बनाएंगे, दो डबल क्रोशेट, दो चेन और फिर से तीन डबल क्रोशेट। हमारी ये तमाम कॉर्नर ऐसे ही बनेंगे। एक चेन करेंगे। अब हमने इस गैप में से तीन डबल क्रोशेट बनाने हैं। फिर एक चेन और अब नेक्स्ट गैप में से हमने तीन डबल क्रोशेट बनाने हैं। अब हमने सेकंड कॉर्नर बनाना है, तीन डबल क्रोशेट, दो चेन और तीन डबल क्रोशेट। ये देखें व्यूअर्स, हमारे स्क्वायर का सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसमें फ्लावर के कलर का धागा ऐड करूँगी। इस धागे को हमने साथ से कट कर देना है। तीन चेन बनाएंगे हम। दो डबल क्रोशेट बनाएंगे, दो चेन करेंगे। उसके बाद हमने फिर से तीन डबल क्रोशेट बनाने हैं। धागे को हम पीछे की तरफ कर देंगे। एक चेन। अब हमने नेक्स्ट गैप में से तीन डबल क्रोशेट बनाने हैं। एक चेन करेंगे, तीन डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर से एक चेन करेंगे। नेक्स्ट गैप में से हमने तीन डबल क्रोशेट बनाने हैं। फिर एक चेन करेंगे और ये सेकंड कॉर्नर तक हम बनाएंगे। तीन चेन, सॉरी तीन डबल क्रोशेट, दो चेन और तीन डबल क्रोशेट। ये हमारा पूरा स्क्वायर इसी तरह से बनता जाएगा, सिर्फ हमने इसमें कलर चेंज करने हैं। देखिए व्यूअर्स, हमारा ग्रेनी स्क्वायर रेडी हो चुका है। अगर आपने इससे ज़्यादा बड़ा बनाना है तो आप इसमें एक ही तरीका है वो रिपीट करते जाएं, तो आपका ग्रेनी स्क्वायर बड़ा हो जाएगा।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मज़ीद एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।